तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इस मक्खी के इतने ही बच्चा यहाँ से। ऐसा कहते हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। फिर से पायलट ने लगेज गिरा दिया यार। सर्किट, ये नमूना तो अपने दिमाग के बाहर है, चल इसे अंदर जाके देखते हैं यार। जरा देखो तो इसमें क्या है। बचाओ सर्किट, तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ यार। बोलो तो भाई, मैं समझ गया, ये तो पोर्टल है। जो कुछ भी हो लेकिन है बहुत कमाल की चीज यार। बोलो तो भाई, आपका प्लान समझ गया। बोलो तो भाई, और मरीना में सिर्फ इस पोर्टल की दूरी है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं यहाँ कैसे आई? हेलो मरीना, बन जाओ मेरा खाना। ये है क्या चीज? ओए कौन है? अरे ये मेरी आंखें हैं, गोतियाँ नहीं, जो तुम खेल रहे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेलो शार्को। अच्छा तो ये तेरा बकवास प्लान है, इसकी वजह से मैडम जी मुझे खिलौना समझकर खेल रही थी। कर दिया मामला रफा दफा। ओए ये तो सच में कमाल की चीज है। चलो इसी रास्ते से घर जाते हैं। मैडम जी ऐसा कैसे मत करना, जल परियों के लिए पोर्टल का इस्तेमाल करना हानिकारक है। मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। जगह पर बैठे बैठे तेरा काम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ मरीना का मूड बिगड़ रहा है। बिना स्टंट किए मैं बोर हो रही हूँ। भाई बोले तो चलो, बहुत काम बाकी है भाई। मैडम जी लो आइसक्रीम खाओ। नहीं खाओगी? ठीक है, मैं अकेले ही खाता हूँ। बोले तो ये हाथ में दे दे शार को। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तुम्हें शायद पता नहीं, अपने देश में पिज्जा पहले आता है और एम्बुलेंस बाद में। यार शार को ताकत से नहीं, अकल से काम ले। वाह ये हुई ना अकलमंदी वाली बात। सिंह तुझे लाइन पर लाना मुझे अच्छी तरह से आता है, चल अब पतली गली पकड़ ले। ये क्या हो गया, पोर्टल और मैडम जी दोनों गायब? अब मेरा पहले डांस देखो। पता नहीं मैडम जी बच्चों वाली हरकतें कब बंद करेंगी। लगता है शार्को बोर हो रहा है। शार्को तुम भी मेरे साथ खेलो ना। थैंक यू मैडम जी, मैं समझ गया। वाओ शार्को, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। चल सर्किट, हम भी मरीना के साथ खेलते हैं। शार्को ये सच में कमाल का खेल है। मैडम जी ये खेल सिर्फ आपके लिए है। ओए ऐसे आगे गहरे में तू खाने के लिए नहीं। लगता है आज मेरी बत्तीसी नहीं बचेगी। ओए खा गया मैं झटका। देखा इस खेल का कमाल, इस कान की उस कान को तुरंत खबर मिल जाती है यार। ओए सिंह मुझ पर एक एहसान करना कि कभी भी मुझे अंडरएस्टिमेट मत करना। तुम फिर आ गए, जब तक तेरा ड्रामा खत्म नहीं होता मुझे आना ही पड़ेगा। सिंह इस मुसीबत की जड़ को जड़ से ही तोड़ देता हूँ। ये तुमने क्या कर दिया, देखा खुद ही फंस गए ना। मैं तुझे भी साथ ले जाऊंगा। भाई बोले तो ये क्या हो रहा है, देखता हूँ आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। यूकी इन दोनों को क्या हुआ है, दोनों एक नंबर के जोकर लग रहे हैं। मेरा सिर चकरा रहा है, ये किसका हाथ है? ये बिल्ली का हाथ। और ये कैसे हो गया, निकालो इसे, ये हाथ मुझे नहीं चाहिए, निकालो। शार को इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है यार। तुम्हें चाटा मार के मुझे अच्छा लगा शार को। तो मुझे भी तेरे साथ मुकालत करने में मजा आया।
दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पता नहीं अब इनका क्या होगा। चलो सर्किट, देखते हैं इनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये क्या हो गया? लगता है जैसे मुर्गी को सुंदर हिरन के पैर लगा दिए। और ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे हिप्पो को चिड़िया के पैर लग गए हैं। बस करो बाबा, ऐसा हो सके नहीं होतोगे क्या? लो, अब तो इनकी शक्ल भी बदल गई। लगता है पोर्टल भी इनके साथ गिव एंड टेक पॉलिसी खेल रहा है। बोले तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अरे बाप रे, ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं जैसे बटरस्कॉच और वैनिला आइसक्रीम। ऐसा करते हैं, रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। चलो सर्किट, हमें ही इन्हें ठीक करना होगा। सर्किट, उन्हें लाके इस पोर्टल में डाल दो। हम ठीक हो गए। हे पीप हुर्रे। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। मैं रहेगा बस और ना बजेगी बांसुरी। चल सिग, हम वॉक पर चलते हैं। बोले तो हमें ना थैंक यू बोला ना सॉरी बोला, ये दोनों तो ऐसे ही चले गए भाई। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? हमारे साथ चलो ना। आओ ना मैडम जी। ऐसा कहते हैं फिर हेरा फेरे। अरे शार्को, ये रही तुम्हारी मरीना। ओए सेग, मुश्किल है अब तेरा जीना। ये करिश्मा कैसे हो गया? ये लोग कौन है यार? हेलो सर, हम आपके सर्वेंट्स हैं। इस फटीचर के पास खुद का कच्चा नहीं है, सर्वेंट्स कहां से आ गए? अपना मुंह बंद रखो और यह देखो, ये हमारे फोकटिया नगरी के राजा हैं। मुझे भी तो दिखाओ। जिग महाराज की जय हो। क्या बात? मुझे तो मेरी आंखों पर खुद को यकीन नहीं हो रहा है यार। कैसा लगा आपको ये बंगला? ठीक है, लेकिन ये क्या है? इसे दबा के देखता हूँ। अरे जिग, तेरी किस्मत तो चमक गई। हमारे राजा को हाथ नहीं लगाना। जिग, ये दोनों तेरी ढीली बॉडी के बॉडीगार्ड है। जब भी तू ये बटन दबाएगा, ये तुझे बार बार प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे। अब आएगा मजा। मरीना, आज तो तुम्हें खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओए सिंह, तेरी इतनी हिम्मत? बड़ा आया मैडम जी को खाने वाला। बोले तो मुझे इनकी दाल में कुछ काला लगता है। सर, ऐसे बार बार बटन दबा के हमारा टाइम वेस्ट मत किया करो। अंडरस्टैंड? बेटर यू अंडरस्टैंड। मरीना अकेली है, अभी मारता हूँ मौके पर चौका यार। बचाओ! सर बुला रहे हैं, जल्दी चलो। खबरदार! चिल गाइस चिल, चलो पीछे हटो। ये मेरी खास मेहमान है यार। खेलेंगे लेकिन बाद में। ओए सिंह मेरे प्यारे दुश्मन, मैडम जी को कहां लेके जा रहा है? काम डन डन आ डन। उठाओ ना, खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो यार? ए शार्को, दम है तो यहाँ देखो। ये लो,
ओए मुझे तो चीनी कम समझता है, तू पानी कढ़ाए, छोड़ दे मुझे वरना। फिर से इमरजेंसी, चलो देखते हैं रे। बोलो तो भाई का शानदार महल मुझे जेल जैसा क्यों लग रहा भाई? लगता है आज मेरी पिटाई पक्की। खबरदार, हमारे राजा को हाथ भी लगाया तो। शर्को, आज तूने गलत वक्त पर जीत के साथ पंगा ले लिया है, इसके दोनों बॉडीगार्ड तुझे नहीं छोड़ेंगे। मिशन कंप्लीट, क्या बात। ऐसे तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया, मैं जा रहा हूँ मरीना को खाने। हमारी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे क्या? ये क्या है, मैं इसमें कैद कैसे हो गया यार? बचाओ। अरे मेरे राजा, डरने की कोई बात नहीं, हम लोग है ना। अरे बोलो तो, इन्होंने तो भाई के ताजमहल में ही भाई की समाधि बना दी है। चलो मशीन का उद्घाटन करते हैं, क्या बात। हमारी मेहनत सफल हो गई, अब इस खिलौने से हम खूब पैसा कमाएंगे। जिद को राजा बनाना तो एक बहाना था, दरअसल उसका खिलौना बनाकर उसे मार्केट में बेचना था। बोलो तो भाई, टेंशन मत लो, ये सर्किट आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा भाई। सर्किट मुझे बचा ले यार। ओए बिना तीर के तीर कमान, तुम्हें मैं अपने 2.5 किलो के हाथ का दम दिखाने आया हूँ। नाराज मत होना, ये लो तुम्हारे लिए जिक का खिलौना, गुस्सा थूक दो, क्या बात। ठीक है, वो पर नहीं साइड में जाके थूकता हूँ। भाई बोले तो लगता है इन्होंने बिल्डिंग से ज्यादा खर्चा इस कांच पर किया भाई, ये कांच टूटती क्यों नहीं? बोले तो अब ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा भाई। एक केले के वजन से ये कांच कैसे टूटेगी यार? जग, ये है सर्किट का दिमाग का कमाल, जैसे तू नहीं समझेगा। ये आवाज कैसी? ए चिलगोजे, तूने हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला दी। अब मैं आजाद हूँ, आजाद पंछी की तरह रहूंगा यार। ओए, हमारे होते तू आजाद रहने की सोच भी नहीं सकता। बचाओ यार। ये हमारा राजा नहीं है, समझे? मैडम जी की जान खतरे में है, इन क्रोकोडाइल की जबान को ज्यादा ही लंबी हो गई है। ओए मैडम जी, आप सेफ हो, लेकिन अब इनकी जिंदगी अनसेफ है। ओए बिना गुटली के आम, अभी करता हूँ तुम्हारा काम तमाम। अरे टेंशन मत ले, ये ले एक पर एक खिलौना फ्री। इन क्रोकोडाइल को अब वापसी का रास्ता दिखाता हूँ, जहाँ से आए थे वही चले जाओ। बोले तो क्या समझाया शर्कू भाई, उनकी अकल तो अब तक ठिकाने लग गई होगी। मैडम जी का खिलौना, कहे उसने मैडम जी को तो नहीं पकड़ लिया। यहाँ तो सबके पास खिलौने हैं, क्योंकि देखो ना, खुद ही पोज दे रहे हैं मरीना। हेलो मैडम जी, चलो हमें इस बार लगता है खिलौने से ही काम चलाना होगा, कोई बात नहीं। बच्चों की फुटबॉल बच्चों के हाथ में ही ज्यादा अच्छी लगती है, बड़ों को तो रग्बी खेलनी चाहिए। क्यों, रह गई ना सबकी आंखें फटी की फटी। शार्को की टीम में कौन खेलना चाहेगा? लो अब दूसरी टीम खोज लो। ये कौन गला फाड़ रहा है? ओए, ये तो देसी बॉयज की टीम है, इनसे खेल में जीतना तो दूर, कोई इनके सामने खड़ा भी नहीं रहता। मैं भी मेरी टीम के साथ तैयार हूँ। कहाँ चले गए सब? ओए सिंह, ये है मेरी टीम, देखा? हमारे खिलाफ खेलोगे? हेलमेट बांध लेता हूँ यार, क्योंकि शार्को ने सिर फुड़वाने का पूरा इंतजाम कर दिया है।
सेट पाओ। एक ही बॉल में बत्तीसी बाहर। शार्को, शार्को, शार्को। मैडम जी, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? मैडम जी, जब हम तैयार हो जाएंगे ना, सिटी तब बजाना। और अब मैं तैयार हूँ। शादी है क्या? तैयार हो रहे हो? लो, चेहरे का नक्शा बदल गया। All the best. Get set go. बाय बाय शार्को। ये आवाज कैसी? बोलो तो जल्दी करो भाई, अगर शार्को ने देख लिया तो हमारे रग्बी बॉल बना देगा। टाइम प्लीज, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। इतनी बार समझाया है, खेल का मैदान छोड़ के नहीं भागते। मैडम जी, खेल शुरू करते हैं। इस बार नो बट नो हट, ओनली हिट। ओए, किसके पास फेंको? सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं। ओए, क्या बात है भाई, अब क्या करोगे? तुम कुछ मत करो, क्योंकि ये देसी बॉयज कुछ करने देंगे भी नहीं। ओए, आपस में ही खेलते रहोगे या मुझे भी खेलने का मौका दोगे? अरे शार्को, रग्बी बॉल ऐसे मांगने से नहीं मिलते, उसे हासिल करनी पड़ती है। और रग्बी मिल गई। हम इस खेल के बादशाह हैं, हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं खाऊंगा हरा भरा कबाब विद मरीना फ्लेवर। भाई जल्दी चलो, वरना मरीना की जगह मार खानी पड़ेगी। अब किसका डर है यार? अरे जिद, कितना करेगा जिद, अब तो सुधर जा। और ये कैसे हो गया? ये तो चीटिंग है। शार्को, जंग में और खेल में सब जायज है। जोर लगा के हाइशा, लस्सी पी के हाइशा। मरीना को खा डाला तो मेरे पेट करेगा झींगा लाला। ओए, मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। और मरीना मेरे लिए काफी है यार। ये लो, देसी बॉयज का एक और गोल। ओए जिग, मेरा तो दम ही निकल गया। ओए जियो जिग। चलो मरीना, इसका खेल तो खत्म हो गया। हमें एक और नई रग्बी बॉल मिल गई। शार्को मुसीबत में है, चिल्लाओ। ओ शार्को, तुम तो मुझे प्यारे थे, ऊपर वाले को कैसे प्यारे हो गए? बस बहुत हुआ, देसी बॉयज। शार्को के गम में ये पागल हो गई है यार। ये लो, अंपायर का काम तुम देखोगे। अब देखो मेरा कमाल। ये देखो, जो बॉल का वजन नहीं उठा सकती वो रग्बी खेलेगी। बाजी कभी भी पलट सकती है, कभी किसी को कम मत समझना। क्या चाल चली है मैडम जी? लेकिन सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। जिग, देखा तुमने? अब हमारी टीम की जान में जान आए, अब आएगा खेल में मजा। जो भी मेरे हाथ का दोसा खाएगा वो दूसरों की भी उंगलियां चाट जाएगा। तुम ये खाओ, मेरा मतलब रग्बी बॉल खोल करके खाओ। अरे दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, जीत का ताज किसके सिर पर होगा ये बताना मुश्किल ही नहीं, ज्यादा मुश्किल है, बुरा नहीं है। जल्दी आओ मैडम जी, जल्दी। अरे ये देसी बॉयज तो हरी भी की तरह मैडम जी के पीछे पड़ गए। कितना प्यारा किटन है। अब हमारी जीत पक्की, बड़े आए थे हमें हराने। रुक जाओ, तुम्हें येलो कार्ड मिलता है, नहीं रेड कार्ड, नहीं तुम ये सारे कार्ड रख लो। आज मुझे जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। आ जाओ शार्को। जियो मेरे शेर, इसे कहते हैं खिलाड़ी नंबर वन। अब हम उन्हें एक भी गोल करने नहीं देंगे। ये रग्बी खेल रहे हैं या दही हांडी, अब क्या करेंगे? ओए जिग, मैडम जी को छोड़।
मुझे ही देना होगा सबको धोबी पछाड़। वाह, एक ही तीर से काफी निशान है, बुरा नहीं है। ओए, अब तक तुम लोगों ने मेरा प्यार दिखा है, गुस्सा नहीं। और जब इसे गुस्सा आता है ना, तो रग्बी स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं। टीओ की एरी को ब्रेक के साथ गेंदी भी ब्रेक कर दी। इसी के साथ इस मैच के विनर है शार्को द ग्रेट चैंपियन। भाई भावनाओं को आंसुओं में भेजने दो। पहली बार किसी ने अपने को हड्डी तोड़ जवाब दिया है। जीत की खुशी में चीयर्स दोस्तों। मैडम जी कहाँ चली गई? दोस्तों दो मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आया। जग नहीं छोड़ेगा प्लीज।